हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरु जी। दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और अपने चैनल को प्रमोट कराना चाहते हैं या फिर किसी और के चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं, तो एक यूट्यूब की बहुत बढ़िया अपडेट आई है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ उस चैनल का नाम अपने टाइटल के अंदर एट द रेट टैग के साथ लगा दीजिए। जैसे हम हैशटैग यूज़ करते हैं, ऐसे ही एट द रेट टैग। इससे पहले आपने जरूर देखा होगा, इंस्टाग्राम अगर आप चलाते होंगे तो वहां पे एट द रेट टैग चलता है। यूट्यूब ने भी अब लागू कर दिया है, आप एट द रेट के साथ उस चैनल का नाम अपने टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में, या तीसरी जगह है कम्युनिटी टैग के अंदर, सिर्फ तीन जगह लगा सकते हैं। जैसे हैशटैग होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है, ऐसे एट द रेट टैग लगाएंगे तो ब्लू कलर की हो जाएगी और उस पर क्लिक करने से डायरेक्ट देखने वाला उस चैनल के ऊपर पहुंच जाएगा। एक और अपडेट है, अगर आप YouTube स्टूडियो बेटा यूज़ करते हैं और आप प्लेलिस्ट बनाते होंगे वहाँ पे, तो क्या होगा कि आप सेटिंग में जाके फिर प्लेलिस्ट पे जाना पड़ता था। अब YouTube ने क्या किया है, डैशबोर्ड पे लेफ्ट में देखेंगे आप तो जहाँ पे हमारी वीडियो की सेटिंग्स होती है वहीं पे एक टैब और ऐड कर दी है YouTube ने, जो प्लेलिस्ट की है, जिस पे क्लिक करके हम डायरेक्ट प्लेलिस्ट न्यू क्रिएट कर सकते हैं या फिर पुरानी कोई प्लेलिस्ट हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थी कुछ अपडेट्स YouTube की, जो कि बहुत अच्छी अपडेट्स थी, आपके बहुत काम आने वाली अपडेट है। और दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा हो बेशक डिसलाइक कर दीजिएगा, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।